तालाबंदी किए हैं, क्यों आप लोग तालाबंदी किए? अब इसी सर से हम लोग का मांग था कि सिलेबस कम किया जाए और एग्जामिनेशन फीस वगैरह को लेकर हम लोग इसी सर से मांग किए थे। आज से लगभग एक महीना पहले हम लोग ज्ञापन दिए थे, 15 दिन पहले एक और हम लोग ज्ञापन दिए, मतलब अभी तक इस मंथ में हम लोग 4 बार ज्ञापन उनको दे चुके थे इस विषय पे, लेकिन उनका कोई इस विषय पे ध्यान नहीं जा रहा है। हम लोग आज आखिरी बार उनसे बात करने के लिए यहाँ पे आए थे, आंदोलन किए, लेकिन अभी तक वीसी सर विश्वविद्यालय में नहीं आए हैं। इससे पता चलता है कि वीसी सर छात्रों को लेकर कितना ज़्यादा मतलब उनका। किन किन मांगों को लेकर आपने तालाबंदी किए थे? हम लोग का मांग था कि सिलेबस को कम किया जाए, जब पढ़ाई हुआ नहीं है छात्र एग्ज़ाम कहाँ से दे पाएंगे, अब पूरा पढ़ाई ऑनलाइन के माध्यम से आप करा नहीं रहे हैं, कुछ बहुत पढ़ाई हल्का फुल्का हुआ है तो उसी विषय का एग्ज़ाम लिया जाए, उसी उतना ही तक का एग्ज़ाम लिया जाए। दूसरा हम लोग का मांग था कि जो बहुत सारा ऐसा कोविड का माहौल में ऐसा परिवार भी है जो कि एग्जामिनेशन फीस या अपना पूरा फीस सेमेस्टर वाइज फीस देने में सहमत नहीं है, तो उसको कुछ कम किया जाए जिससे कि छात्र को सहूलियत पड़े, उसके परिवार पर भी कुछ कम बर्डन पड़े, तो इसी को लेकर आज हम लोग का वीसी सर से मांग था। एक सवाल मेरा ये है कि अभी जैक बोर्ड का जो रिजल्ट जारी हुआ है, बहुत सारे बच्चों को फेल कर दिया गया है, उसको लेकर कल मैं कौन चौक पर जमा हूँ, क्या उसके लिए भी एबीवीपी लड़ाई करेगी? हाँ बिल्कुल, उसके लिए हमेशा हम लोग छात्र हित के लिए सदैव तत्पर रहे हैं। कल उसके लिए अभावी शिक्षा मंत्री जी का घेराव भी किया उनके आवास का, और वहाँ हम लोग उनसे मिले भी, हमारा एक डेलीगेट उनसे बात करने के लिए गया था, जिसमें शिक्षा मंत्री जी बोले कि हम कोशिश करते हैं जहाँ तक इस पर हो सकता है बात करके, अगर कुछ हो सकता है तो बाकी तो ऐसे उनका पहले से आया हुआ है कि एग्ज़ाम जो असंतुष्ट है दे दे, लेकिन फिर भी अगर कुछ छात्र का आप ऐसे ही बिना एग्ज़ाम दिए उसको 85% 90% दे दिए हैं और कुछ विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए आप बोल रहे हैं, तो वो कैसे परीक्षा देंगे? आप पढ़ाई तो करवाए नहीं है, तो एग्ज़ाम अगर देंगे तो कहाँ से देंगे, ये भी मुद्दा है उस पर, तो इस पर भी बात हुआ है और जैक ऑफिस का भी घेरा हुआ था। और अगर आगे ऐसा मतलब इस विषय पे शिक्षा मंत्री जी कुछ नहीं करते हैं तो अभावी इस पे सख्त कदम उठाएगा। आज आप रांची यूनिवर्सिटी के जो रांची कॉलेज का कैंपस है तो तालाबंदी की है, क्या आप लोग की वार्ता हुई, किन से वार्ता हुई जो ताला खोल दिए? मंजू सिन्हा से हम लोग का इसमें भी बात हुआ है, तो हम लोग का रजिस्ट्रार सर से और DSW सर से बात हुआ है, तो बोले कि हम लोग VC से एक बार बात करते हैं, अगर उसमें कुछ ऐसा निकलता है तो फिर नहीं तो फिर आगे हम लोग तालाबंदी करेंगे। DSW रजिस्ट्रार के बातों से कितना सहमत है? देखिए उनका बात ताल मटोल करने वाला था, ऐसा कुछ था नहीं कि वो मतलब इस पर कुछ संज्ञान लेना नहीं चाह रहे हैं। अब VC सर से अगर हम लोग एक बार अच्छा से बात कर ले, अगर वो करेंगे तो ठीक है, नहीं तो इस यहाँ पे सख्त आंदोलन किया जाएगा, चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा जिससे कि मतलब छात्र का आवाज़ उन तक पहुँचे। परिचय बता दीजिए। अंकित सिंह, रांची महानगर अभावी प्रदेश कार्य समिति सदस्य। भारत माता के वंदे मातरम, वंदे मातरम। इस विद्यालय प्रशासन खोलो का, नहीं तो होगा क्या काजा। विद्यालय प्रशासन खोलो का, नहीं तो होगा क्या काजा। छात्रों के साथ अन्याय करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्रों के साथ अन्याय करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। विद्यालय प्रशासन खोलो का, नहीं तो होगा क्या काजा। विद्यालय प्रशासन खोलो का, नहीं तो होगा क्या काजा। छात्रों के सम्मान में एबीवीपी मैदान में, छात्रों के सम्मान में एबीवीपी मैदान में। छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। भारत माता के वंदे मातरम, वंदे मातरम। अरे छात्र हित का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे, छात्र हित का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। विश्वविद्यालय प्रशासन खोलो का, नहीं तो होगा चक्का जाम। विश्वविद्यालय प्रशासन एक काम करो, फ्री बैठ के आराम करो। विद्यार्थी परिषद चिंदा।
छात्र बोला है राज सिंहासन